मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। जी हाँ, इसी कहावत को चरितार्थ करती है अंकिता। सैकड़ों लोगों की बन गई है प्रेरणा स्रोत। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत एक गरीब परिवार की बेटी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए हाथ नहीं होने पर पैरों से लिखकर स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा में शामिल हो रही है। अपने संकल्प, विश्वास, धैर्य और उत्साह से अंकिता दिव्यांगता को पीछे छोड़कर अपने मंजिल की तलाश में पढ़ाई को जारी रखे हुए है। शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद भी दृढ़ इच्छा शक्ति को आधार बनाकर अंकिता अपनी तकदीर लिख रही है। 20 वर्षीय अंकिता सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के हरपुर बाजार के रहने वाले अशोक प्रसाद गुप्ता की बेटी है। अंकिता हाथों से मजबूर होने के बाद भी पैरों से किस्मत लिखने पर आमादा है। हाथों से काम न कर पाने के कारण अंकिता पढ़ाई तो कर सकती थी लेकिन कुछ लिख पाने में अक्षम थी। इसके बाद उसने पैरों की उंगलियों में कलम लगाकर लिखना शुरू कर दिया। साथ ही अंकिता कुछ भी बोल पाने में भी अक्षम है, वह सिर्फ इशारों से ही बात करती है। पैरों से लिखने के बावजूद अंकिता की लिखावट देखकर अच्छे अच्छे अपने दांतों तले अंगुलियां दबाने को मजबूर हो रहे थे। आप लिखते हैं भैया, कॉलेज में भीतर ही। हाँ, तो दोनों आदमी तो यही है। लिखावट को ले रहे थे, हो गया फिर आंसर बेसी नहीं लिखिए। उसका आंसर लिखिए। 2004 में इनको मेनिनजाइटिस हुआ, छपरा से फिर पटना रेफर किया गया। 40 से 50 दिन इलाज चला PMCH में। उसके बाद में इनका हाथ और आवाज़ दोनों चला गया। हाथ से ग्रिप नहीं, पकड़ नहीं पाती है कुछ भी, खाली सोच वगैरह कर लेती है। उसके बाद में 2-3 साल बाद इलाज करने के बाद ये खुद अपने पैरों से लिखना चालू करती है। पढ़ाई के प्रति कैसे? बहुत ज़्यादा मतलब रुझान है इसका पढ़ाई के प्रति। मैंने बोलना पड़ता है कि तू उठ जा कर बैठ जा भाई, मत पढ़ अब। 4-4, 5-5 घंटा कोई काम नहीं है, 4-4, 5 घंटे पढ़ाई करती है और टॉपर आती है। क्या नाम है आपका? मेरा पिंटू कुमार। कौन है? चाचा हूँ मैं इनका।